तो यहां पे आप लिख सकते हो कि नो कोर्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन द पिटिशन ऑफ डाइवोर्स एंड पास डिक्री ऑफ डाइवोर्स इफ दैट पिटिशन हैज बीन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी विद इन वन ईयर ऑफ देयर मैरिज. राइट, तो ये जनरल रूल है. अब देखो यहां पे लिखा है एनी पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी सेक्शन 13 भी कवर हो गया और सेक्शन 13B ये भी कवर हो गया. तो यानी जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उस दिन से अगर एक साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है तभी पार्टीज टू द मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ कॉम्पिटेंट हैं डाइवोर्स पिटिशन फाइल करने में. लेकिन एक्सेप्शन क्या है तो आइए प्रोविजो को हम पढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे, अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है मे, यानी इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है. यहां पे कोर्ट बाउंड नहीं है, जैसे पहला जो हमने पढ़ा इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, तो यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है सेक्शन 14 में कि कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पिटीशन को एंटरटेन करने में यदि उस पिटीशन को विवाह के एक साल के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया. लेकिन जो एक्सेप्शन है जिसमें कोर्ट विद इन वन ईयर ऑफ मैरिज डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, तो यहां पे कोर्ट क्या है, कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कोर्ट विद इन वन ईयर ऑफ मैरिज डाइवोर्स की डिक्री पास करे या ना करे. तो क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट,